हेलो दोस्तों, आज मैं अपने चैनल पर पहली बार लाइव आया हूं, तो जाहिर सी बात है आपके लिए कुछ न कुछ नया टॉपिक लेकर ही आया हूं। जैसे कि आपने वीडियो के थंबनेल में देख लिया कि आज का हमारा टॉपिक है हाई ब्लड प्रेशर। तो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ मिस्टर मिराज सर और आप देख रहे हैं साइंस अर्थ इंडिया चैनल। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है हाई ब्लड प्रेशर। तो उसको समझने से पहले हमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पर ध्यान देना होगा, जैसे कि ब्लड प्रेशर क्या है और हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है, इसकी जांच कैसे करेंगे और इसका उपचार हम कैसे करेंगे। तो चलिए, हाई ब्लड प्रेशर से पहले हम समझ लेते हैं कि ब्लड प्रेशर क्या होता है। जैसे कि हमारे बॉडी में एक आर्गन है जिसका नाम है हार्ट, वह हमारे पूरे बॉडी में ब्लड की सप्लाई करता है, यानी कि रनिंग कराता है, जिसको हम पंपिंग स्टेशन कहते हैं। हार्ट जो है वो बिल्कुल बंद मुट्ठी के आकार का होता है, वो ऐसे फैलता है सिकुड़ता है, फैलता है सिकुड़ता है, जिससे धक 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 की आवाज़ आती है। यह एक मिनट में 72 टाइम्स ये जो है धड़कता है, राइट। तो इनसे हमारे पूरे बॉडी में नेटवर्क की तरह ब्लड की कुछ वेसल्स पूरे बॉडी में फैली हुई हैं, और कहीं कहीं ये जो ब्लड वेसल्स हैं मोटी हैं, कहीं कहीं बहुत पतले हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये जो हमारे बाल का एक हेयर है इतनी पतली हो सकती है। और इतना ज़्यादा इसका नेटवर्क है, अगर इसको हम खींच के लंबा कर दें ब्लड वेसल्स को, तो लगभग 1,00,000 किलोमीटर ये लंबी हो सकती है, राइट्स। तो फ्रेंड्स, जो हमारा हार्ट फैलता है तो इसमें ब्लड आके भर जाता है, जब ये सिकुड़ता है तो उन वाहिनियों में एक दबाव से ये जो ब्लड है दौड़ने लगता है, इसी दबाव को हम कहते हैं प्रेशर। जिस दबाव से ये ब्लड में बहता है उसको हम सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं, राइट। जब वाहिनियों में दबाव कम होता है उसे हम डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं, राइट। जैसे कि पूरे शरीर की कोशिकाओं को ऑक्सीजन चाहिए ऊर्जा बनाने के लिए, और पचा हुआ जो भी भोजन है सारी कोशिकाओं को चाहिए, तो ये जो ब्लड के जो वेसल्स हैं पूरे शरीर में नेटवर्क की तरह फैले हुई हैं, सारी कोशिकाओं तक ब्लड जाता है और जो है कि भोजन को पहुँचाता है और ऑक्सीजन को पहुँचाता है, राइट्स। इतना हमने समझ लिया, तब हम समझ लेंगे कि हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है, राइट्स। तो जैसे कि फ्रेंड्स, कुछ लोगों में वैसे ही हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है और कुछ लोगों में जो है कि प्रॉब्लम होता है रुधिर वाहिनियों में, जिसके चलते हाई ब्लड प्रेशर होता है। सबसे पहले मैं नॉर्मल लोगों के बारे में बता दूँ कि हाई ब्लड प्रेशर नॉर्मल लोगों में कैसे होता है। जैसे कि सपोज डैट, अगर हम सड़कों पर सामने देखते हुए ऐसे चल रहे हैं, अचानक आंखें नीचे पड़ी, देखा हमने सांप, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे जो हार्ट है इसका जो पंपिंग जो है वो फास्ट हो जाएगा, क्योंकि हमारे बॉडी में चाहिए ऊर्जा वहाँ से दौड़ने के लिए, तो हमारा जो हार्ट है वह तेज़ी से ऐसे जो है कि धक धक करने लगेगा और इतनी ऊर्जा मिलेगी कि हम तुरंत वहाँ से उछल के वहाँ से हट जाएंगे, तो वहाँ पर भी हमारा ब्लड प्रेशर हाई होगा, राइट्स। अब या कोई टेंशन होता है तो जाहिर सी बात है ज़्यादा अगर हम ब्रेन से वर्क करते हैं तो वहाँ पर भी ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, तो वो बात अलग हुआ। अब देखते हैं कि कुछ लोगों में बीमारी होती है, ज़्यादा कुछ जो है कि ऑयली मटेरियल खा लिया तो ब्लड प्रेशर हाई हो गया, या वैसे ही हाई हो जाता है, तो उनमें कुछ प्रॉब्लम होते हैं। जैसे कि एक पाइप है, हमने उसे क्या कर दिया है, मोटर से कनेक्ट कर दिया है, अब मोटर से पानी निकल रहा है, अब वह पाइप के द्वारा पाइप के लास्ट किनारे से पानी नीचे गिर रहा है, राइट। तो फ्रेंड्स, वह एक लिमिट से पानी नीचे गिर रहा है। अगर हम उसके पाइप की जो है कि माउथ वाले पोर्शन को दबा दें तो जो पानी का प्रेशर है वह कुछ दूर तक जाएगा, पानी उतना ही निकलेगा, लेकिन एक प्रेशर के साथ उन जो है कि पाइप पे दबाव पड़ेगा, प्रेशर के साथ पानी कुछ दूरी तक जाएगा। उसी तरह हमारे शरीर में जो ब्लड वेसल्स होते हैं
उनमें भी ऐसा ही होता है, उनमें ब्लॉकेज हो जाते हैं। अब ये ब्लॉकेज होते कैसे हैं मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इसी से होता है हाई ब्लड प्रेशर। चलिए इसको हम समझ लेते हैं। जैसे कि हमारे जो रक्त है वो गाढ़ा हो जाए या उसमें पानी की मात्रा हो जाए तो जो रुधिर वाहिनियाँ होती हैं उनमें सूजन हो जाता है। राइट, सपोर्टेड यहाँ एक सूजन हुआ, एक यहाँ सूजन हुआ, एक यहाँ, यहाँ बीच में क्या हुआ, गड्ढा हुआ। तो इस गड्ढे जगह पे फैट और कोलेस्ट्रॉल आके इकट्ठा हो जाता है। तो कोलेस्ट्रॉल क्या होता है मैं आपको बता दूँ। जैसे कि फ्रेंड्स जो हमारा लीवर होता है वह कोलेस्ट्रॉल बनाता है। कोलेस्ट्रॉल जो होता है बिल्कुल आपने देखा होगा पिघला हुआ मुंह, उसी के आकार का, सेम वाइट कलर, उसी के आकार का कोलेस्ट्रॉल होता है। ठीक, अब ये जो कोलेस्ट्रॉल होता है फ्रेंड्स ये रुधिर जो है कि वाहिनियों में कैसे आता है मैं अभी बाद में बताऊंगा। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि लीवर कोलेस्ट्रॉल बनाता है। ये कोलेस्ट्रॉल जो है बाइल जूस में कन्वर्ट होता है, जो गॉल ब्लैडर में इकट्ठा होता है और वहाँ से बाइल जो डक्ट है वह हमारे स्टमच में आकर भोजन को पचाता है। राइट, तो 70% हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लीवर प्रोड्यूस करता है और 30% जो कोलेस्ट्रॉल है हमारे बॉडी में हम भोजन से लेते हैं। जैसे कि ऑयली मटेरियल हम खा लेते हैं या जो है कि ज़्यादा मसाले वाली चटपटी चीज़ों को खा लेते हैं तो उनमें कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है। वह कोलेस्ट्रॉल ब्लड में नहीं घुलता, उसका काम था भोजन को पचाना, लेकिन वो हमारे ब्लड में आएगा, वैसे ब्लड के साथ वो भी क्या करेगा, रन करेगा। तो उन जो गड्ढे हैं रुधिर वाहिनियों में वहाँ पे आके हुआ भर जाएगा। अब वह क्या होगा, जब गड्ढा हुआ भरेगा तो वहाँ पे ब्लॉकेज हो जाएंगे, उस रुधिर वाहिनी में जो है कि ब्लॉकेज हो जाएगा, जिसके चलते जो हार्ट का जो प्रेशर है यानी कि वहाँ से ब्लड फ्लो नहीं हो पाएगा। तो हार्ट का जो प्रेशर है वो क्या, यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड्स कि सही से ब्लड अगर कोशिकाओं तक ना पहुँचे, ऑक्सीजन ना पहुँचे, भोजन ना पहुँचे, तो वहाँ की जो कोशिकाएँ हैं वह तुरंत सिग्नल देंगी ब्रेन को कि जो है कि हमें भोजन नहीं मिल रहा है और हमें ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। तो जो ब्रेन है वह तुरंत हार्ट के जो है कि प्रेशर को यानी कि पंपिंग स्टेशन को फास्ट कर देगा, ऐसे फास्ट कर देगा। तो वहाँ पे तेज़ी से क्या होने लगेगा, उन कोशिकाओं तक जो है कि जल्दबाजी में भोजन और ऑक्सीजन को पहुँचाना होगा, तो हार्ट जो है वो फास्ट हो जाएगा। इसी को हम कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर। राइट, अब देख लेते हैं हम इसकी जांच कैसे करेंगे। इसके जांच के लिए स्फिग्नोमैनोमीटर का प्रयोग होता है, यह एक यंत्र है। राइट, अब उसमें पारा भरा होता है यानी कि मरकरी भरा होता है, उसका एक गेज होता है। राइट, जैसे कि आपने जो है कि कभी ना कभी आपने अपने बॉडी का ब्लड प्रेशर मपवाया होगा, आपने वहाँ देखा होगा। तो वह जो डिवाइस होता है उसमें पारे का एक पाइप होता है, वो पारा ऊपर चढ़ता है नीचे उतरता है, चढ़ता है उतरता है। राइट, अब उस पे कुछ स्केल बने हुए हैं, उसमें लिखा होगा 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, ऐसे वहाँ पे लिखा होगा। तो जो हमारे रुधिर वाहिनियाँ हैं उनमें जो खास दबाव जो लगता है यानी कि वाहिनी का जो फैलना जो फैलता है उसे हम डिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। तो उसका जो प्रेशर है उस जो है कि पारे में लगभग 90 से 120 के बीच में होना चाहिए, और जो सिकुड़ने का जो है रुधिर वाहिनी का वह 60 से 80 के बीच में होना चाहिए। राइट, तो ये एक सामान्य व्यक्ति का जो ब्लड प्रेशर होता है 120 एंड जो है कि 80 ये mmHg होता है। राइट, तो ये इतना होता है, लेकिन हाई ब्लड प्रेशर हो जाए तो 160 एंड जो है कि 120 जो है कि mmHg होता है, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर का। राइट, तो ये था कि ब्लड प्रेशर कैसे होता है, अब इसका उपचार हम कैसे करेंगे। जाहिर सी बात है अगर किसी की नसों में जो है कि ब्लॉकेज हो गया है किसी कारण, तो जैसे कि अभी मैंने बताया कि जो हमारा रुधिर की जो वाहिनियाँ हैं कहीं कहीं इनकी साइज मोटी है, कहीं कहीं इनकी पतली है, तो मोटी वाली जगहों पे पता चल जाएगा कि ब्लॉकेज कहाँ है, तो उसका हम उपचार कर लेंगे। जो ब्लॉकेज है उनमें हम होल कर देंगे या जो है कि जो पाइप की साइज में
जो है कि कुछ मटेरियल डाल के उसे हम उसको खोल सकते हैं, राइट्स। लेकिन जो माइक्रो साइज की जो रुधिर वाहिनियाँ हैं उनमें हम नहीं ढूंढ पाएंगे कि कहाँ ब्लॉकेज है, तो जाहिर सी बात है इसका उपचार जो है कि हम नहीं कर पाएंगे। तो हमें क्या करना होगा, कुछ खान पान पे ध्यान देना होगा। जैसे कि इसके उपचार के लिए हम क्या करेंगे कि टेंशन नहीं लेंगे, या छोटी छोटी बातों पे हम गुस्सा नहीं करेंगे, या जो है कि खान पान पे भी ध्यान देंगे, यानी कि हम ऐसे चीज ना खाएं जिसमें कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो, जिससे ब्लड प्रेशर हाई हो जाए, राइट्स। तो इन बातों पे ध्यान हमें देना होगा। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और फ्रेंड्स, ऐसे ही मैं फिर आपसे मिलूँगा किसी नए टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय फ्रेंड्स।